हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। तो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 किलोग्राम। कोई मास है हमारे पास यहाँ पे जिसका जो मास है वो है हमारे पास 40 किलोग्राम। हमें स्टेटमेंट में कहा है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से उठा के, ये किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, इसे इस सरफेस से उठा के हमें दूसरे सरफेस पे लेके जाना है। सपोज हमें यहां पे लेके जाना है इसे, पहले यहां पे पड़ा था, इसको यहां से उठा के हम यहां पे शिफ्ट करेंगे और इन दोनों लेवल्स के बीच में, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 5 मीटर। मीन्स इन दोनों की जो हाइट है, ये वाले सरफेस और इस वाले के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 5 मीटर दिया है। हमें बोला है कि जी की वैल्यू हम 10 यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसके पास जो भी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं उस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास पीई इज इक्वल टू होता है एम जी एच। इन सबको मल्टीप्लाई में रखना है, जहां पे एम क्या है, एम है हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी क्या होती है, जी होती है हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू, और एच हमारी होगी कि हम उसे कितनी हाइट पे लेके गए हैं। तो सबकी वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मास में गिवन है 40 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं हम, हाइट हमें कितनी मीटर तक लेके जाना है उसे 5 मीटर तक। तो ये आ गया हमारे पास 5 × 20 और 20 ये आएंगी, तो ये आ गया 2000। और जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास जूल। तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई हमारे पास 2000 जूल। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें पता करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब हम उसे ऊपर से इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हैं। कहां से गिरा रहे हैं, इस ए पॉइंट से, यहां से ऐसे धक्का देके इधर से ऐसे नीचे गिरा देंगे और ये सपोज यहां कहीं पे आ गया और ये पॉइंट जो है ये बीच में है, हाफ वे डाउन, मींस कि आधा ऊपर आधा नीचे, मींस इसने 5 मीटर का हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया। मींस ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी 2.5 मीटर का होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा नीचे बचा हुआ जो होगा वो भी 2.5 मीटर का होगा। मींस इसने 2.5 कवर कर दिया, 2.5 मीटर जो है अभी कवर करना है, हाफ में है वो, बिल्कुल मिड पॉइंट में है। हमें इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे। मान लो अगर ये सी पॉइंट है तो हमें सी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है कि इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे। ये पॉइंट कहां पे, ये है मिडवे ऑफ दिस एबी, एबी के बिल्कुल सेंटर में, मींस 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। तो सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम मास और वी जो होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी कहां की, इस पॉइंट की वेलोसिटी, जो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी उसको। तो हमें वो वेलोसिटी तो पता नहीं है कि कितनी है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट सी। तो अगर हम देखें हमें यहां पे पता क्या क्या है, इनिशियल में यहां पे जब ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए पे तो वो रेस्ट पे था, इनिशियली वो रेस्ट पे था, हमने उसे यहां से गिराया, मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू होगी वो हम कह सकते हैं वो जीरो है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है कि इस पॉइंट पे, जब पॉइंट सी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, गिर किससे रहा है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। मीन जी की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v हमें पता नहीं है कि कितनी है, नहीं हमें टाइम नहीं पता तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं, सॉरी हम ये वाले नहीं यूज करेंगे। हमें डिस्टेंस पता है तो हम डिस्टेंस वाले यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ए को यहाँ पे हम ग्रेविटी ले सकते हैं क्योंकि हम ग्रेविटी वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो थी, टू इंटू जी की वैल्यू टेन, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने 2.5, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो ही, 25 इंटू टू करेंगे तो 50 आ गया, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 50, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 50 मीटर स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि हमें वी स्क्वायर की ही वैल्यू पता होनी चाहिए थी, तो अगर आप इसको पहले सोल्व करेंगे तो बाद में फिर से हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम इसका स्क्वायर कर नहीं रहे हैं, इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ एन की वैल्यू कितनी है 40, वी स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 50, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 20, तो 5 2 10, पीछे दो जीरो, ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास 1000 जूल। अगर आप थोड़ा सा, यहां तो हमें इसे सोल्व करना था, अगर हम माइंड इसे बिना सोल्व किए ही बताना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, तो ये क्योंकि आधा डिस्टेंस कवर हुआ था तो हमेशा एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा इक्वल रहती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पे हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी 2000, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली 2000 जूल। अब ये कहां पे थी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे जब ये रुका हुआ था, मीन्स इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो थी, जिस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 2000 थी, मीन्स टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी आई हमारे पास 2000, मीन्स टोटल एनर्जी ही 2000 थी हमारे पास। अब उन्होंने कहा कि आधा नीचे आ गया, मीन्स आधा पॉइंट नीचे आने में उसकी आधी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गई होगी, मीन्स इसका आधा करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली 1000 आ जाना था, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल लगाते, लेकिन हमें नाइन्थ के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।